एक सवाल पहले आप सबसे पूछता हूं, कार्यकर्ता आगे बैठे हैं, कोई हिंदुस्तान या विश्व का ऐसा नेता बताओ जिसकी प्रॉपर्टी मोदी से कम हो और पॉपुलरिटी मोदी से ज्यादा हो? बता सकते हो? नहीं बता सकते। ये सौभाग्य हम सबको ही मिला है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मिला है, विश्व का। अभी आपने टीवी पे G20 देखा होगा ना, 3-4 दिन कौन कौन ने देखा? आगे आज भाग्य बताओ, देखा है तुमने? पहले विदेश हमारे मसले निपटाता था, अब हम विदेश के मसले निपटा रहे हैं। ये होती है आपके वोट की ताकत। जो कमल का बटन आपने दबाया, ये उसकी ताकत है जो देश देख, विश्व देख रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि कभी हम कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाते थे लाल चौक पे, आज चांद पे तिरंगा झंडा फहर गया, चांद पे फहर गया कि नहीं फहर गया? ये आपके वोट की ताकत है। ये जो कमल का बटन दबाया उसकी ताकत है। ये कमल के बटन की ताकत है मित्रों, जो मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, मोदी जी के माने के बाद आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है भी। ये आपके वोट की ताकत है, ये वोट की ताकत होती है आपकी, जो आप सबने वोट कमल के फूल पे लगाया। और फिर देखिए क्या स्थिति, बचपन से आप कार्यकर्ता और हम लगाते थे नारे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, यही कारण लगाते थे ना। देखो कमल का बटन आपने नहीं दबाया होता तो 370 नहीं हटती कश्मीर, कमल का बटन नहीं दबाया होता तो 35 से नहीं हटती, लद्दाख आजाद नहीं होता, CA नहीं आया होता और ट्रिपल तलाक नहीं हटा होता। हम बचपन में नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तब ये कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर तो वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने तारीख बता दी अमित शाह जी ने, 1 जनवरी को है जाएंगी सोनिया गांधी दर्शन करने। ये मंदिर राम का इसलिए बन रहा है कि आपका बटन सही जगह फैला। आज गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास आना प्रारंभ हुए, वो एक कमल के फूल के बटन के कारण है। आज धरती से लेके आसमान तक जो झंडा तिरंगा फहरा रहा है, वंदे भारत ट्रेन से लेके चांद पर और सूरज की ओर 4 कदम चल रहे हैं, वो कमल के फूल के कारण ही है। वो कमल के फूल के कारण ही है कि आज इसके सर में कभी अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देता कि लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाए, इसमें बम हो सकता है। ये कमल का फूल की ताकत है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आलू के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम तो कोई भी कम कर सकता है, पर आतंकवाद का सफाया सिर्फ मोदी कर सकता है। ये ताकत होती है कमल के बटन से। आप अपने उनकी सुगली के बटन दबाने की ताकत पहचानो और कमल के फूल की ताकत पहचानो। वैक्सीन कौन कौन के लगी कोरोना काल में, हाथ उठाना जरा नीचे कर लो। अब मैं बताऊं क्या है, पैसा कौन कौन ने दे वैक्सीन के? अकेली सुरक्षा की बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात है, मैं वही कह रहा हूं। स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक ये कमल का फूल है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो सारी दवाएं फ्री है कि नहीं है? फ्री, सारी की सारी दवाएं, इंजेक्शन फ्री, गोली फ्री, बोतल फ्री। स्कूल में सरकारी में पढ़ने बच्चा चला जाए तो पढ़ाई फ्री, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, साइकिल फ्री, मध्याह्न भोजन फ्री है कि नहीं है? ये सारी चीजें फ्री है। 108 नंबर डायल करो तो एम्बुलेंस आ जाती है कि नहीं आती? और कोई पैसे तो नहीं मांगता आपके? ये काम सरकार का है जो आपके सामने कर रही है। अभी बहन कह रही थी कि 1000-1000 रुपया हर महीना लाडली बहनों के खाते में डाले, डाले कि नहीं डाले? 1000-1000 आ गए कि नहीं आ गए? बहनों हाथ उठाओ, आ गए नीचे कर लो। 1250-250 में सावन पे आए होंगे, राखी पे आए कि नहीं आए? हाथ उठा के बताओ, आ गए नीचे कर लो बहनों। अब ये दिवाली बीते 1500 हो जाएंगे और बड़बड़ के कितने होंगे? बहने बोले कितने हो जाएंगे बड़बड़ के? 3000 मतलब 36,000 रुपया साल, मतलब 100 रुपया रोज। अब तो भैया है भी, संज्ञा के टाइम जरूरत पड़ेगी तो तुमसे ही मांगे हो कि नहीं मांगे हो? नारी को
आत्मसम्मान बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी बहन मेरी कह रही थी बेबी रानी, बेटी के पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक की चिंता अगर कोई पार्टी कर रही है महिलाओं की, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कमल का फूल कर रहा है। हर पैदा होने वाली बेटी को लखपति बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बेटी बोझ नहीं रही, अब बेटी को वरदान बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले तो बहू के दूसरी मोड़ी पैदा भई नहीं के सास है रोल लड़की हथिये, रोल लड़की के नहीं है मोड़ी हो गई, अब भैया खूब मोड़ी पलक पैदा करो। थोड़ी बहुत चिंता भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, हम भी करेंगे थोड़ी बहुत चिंता आपकी। ऐसा नहीं है बेटी की पढ़ाई लिखाई दवाई सगाई सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर रही है। बहनों में ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ किसान लोग बैठे हैं जिनके खाते में एक 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 बीघा जमीन दो दो बीघा जमीन होगी, उन सबके खाते में दो दो हजार रुपया करके तीन बार में छह हजार प्रधानमंत्री के, दो दो हजार करके दो बार में चार हजार मुख्यमंत्री के, अब वो भी छह हजार हो गए। ऐसे दस हजार रुपया साल आते हैं कि नहीं आते हैं खाते में, हाथ उठाओ कौन कौन के में आते हैं, नीचे कर लो। पांच साल से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं हाथ उठाओ, मतलब पचास पचास हजार आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। अब मेरे को ये बताओ, ये कांग्रेस के लोग जो पिछली बार आपके पास आए थे और इनने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा किसान का माफ करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई, कमलनाथ ने कहा, कमलनाथ ने झूठ बोला, राहुल गांधी से बुलवाया, 2 लाख कौन कौन के खाते में आए कांग्रेस सरकार में हाथ भैयो, नहीं आए, 1.5 लाख, 1 लाख, 50 हजार, अरे कितने कही थी कि 4 हजार रुपया महीना नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इतने सारे बेरोजगार नौजवान खड़े हैं यहाँ पे, हाथ उठा के बताओ 15 महीना सरकार रही, 15 चौक 60, 60 हजार कौन कौन के खाते में आए, 15 हजार, 5 हजार, 500, 5 रुपया, ये झूठ बोलने की मशीन है मेरे मित्रों। मैं ये एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ बहनों, ये मैंने कांग्रेस का उदाहरण इसलिए दिया था कि उसने कांग्रेसियों ने ये तो दिया ही नहीं, हमारी शहरियों के लिए 1000 रुपया महीना शहरिया बहनों को चलने की जो योजना चल रही थी वो कांग्रेस ने बंद करी, हमारी संबल योजना बंद करी, हमारी तीर्थ दर्शन योजना बंद करी, जिन योजनाओं पर भाजपा की छाप थी वो सब बंद किया। ये भी मैंने इसलिए कहा है कि अगर गलती से भी भैया कहे तो अभी पंजा का बटन मत दबाना, कांग्रेस को वोट मत देना, नहीं तो लाडली लक्ष्मी सबसे पहले बंद करेगा कमलनाथ, ये कन्यादान योजना सबसे पहले बंद करेगा, ये लाडली बहना बंद करेगा। मेरी बहनों यही कहना चाहता था, बताओ कमल का बटन दबाओगे हाथ उठा के, भाजपा को जिताओगे जोर से बोलो, भाजपा को जिताओगे, कमल का बटन दबाओगे, बहुत बहुत धन्यवाद।